हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं एमडी सलमान मिस्त्री बोडा झारखंड से। आज मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कार्बोरेटर जो है, ये हमारे पास स्प्लेंडर प्रो बाइक में लगती है, पैशन प्रो में, एचएफ डिलक्स में, बहुत सारी बाइक में एक ही मॉडल की कार्बोरेटर लगती है। और ये BS4 बाइक की है। इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या करती है, माइलेज कम देती है और गाड़ी जो है धुआँ मारती है, यानी कि नीला धुआँ नहीं मार के ये जो है पेट्रोल वाली धुआं मारती है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, बाइक यानी कि काफ़ी कम माइलेज दे रही है, यानी 10 की माइलेज दे रही है एवरेज, तो हम इसको कैसे बढ़ाएंगे और क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है। बाइक ओवरफ्लो नहीं करती है लेकिन धुआं मारती है, तो इसका मैं आज सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो है इसके अंदर जो ये हमारा छोटा जेड होता है, ये वाला यहाँ रहता है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे मिस्त्री भाई ये जब पुरानी बाइक की है, 8 साल 9 साल पुरानी बाइक की है, तो इसको तार से साफ़ करते हैं, तो इससे क्या होता है, ये हमारा जो होता है ना सुराख, ये बड़ा हो जाता है। तो हम इसे क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। और इसके अंदर जो है हमारा नंबर लिखा हुआ होता है 38 नंबर, ठीक है, यही साइज का लगाना है। और दूसरा चीज़ जो है हमारा यहाँ पर देखिए, जिससे हम माइलेज बढ़ाते हैं, तो ये वाला हमें खोल के इसका रबड़ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको खोल कर भी दिखा देता हूँ, आज मैं आपको फुल जानकारी दे दूँ कार्बोरेटर का। दिखाता हूँ मैं, देखिए इसके अंदर जो है यहाँ पर, एक रबड़ लगी हुई है पतली जैसी, इस रबड़ को भी चेंज करना पड़ेगा। और तीसरा चीज़ जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, स्लाइड, इसको बोलते हैं स्लाइड, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल जल गया है, जैसे जला हुआ है उसी तरीके से, ये जला नहीं है, ये मतलब घिस गया है, इसके वजह से जो है हमारी बाइक माइलेज नहीं दे पा रही है। इस तरीके से रहना चाहिए स्लाइड, बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए। और ये जो हमारा पूरा बिल्कुल घिस गया है, ठीक है, ये स्लाइड को आपको चेंज करना है। और दूसरा चीज़ हमारा जो है इसको चेंज करना है, छोटा जेड, ठीक है। और तीसरा चीज़ जो मैंने बताया आपको, हमारा यहाँ का वार्सल, जहाँ से हम माइलेज बढ़ाते हैं स्क्रू भले से, ये तीन चीज़ में आपको कितना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 60-70 रुपये का ये आ जाएगा, 300 के बीच में ये आएगा, और 10 रुपये का वेल रिंग आ जाएगा, यानी कि आप समझ लीजिए 400 रुपये खर्च है। और बाइक में माइलेज जो परफेक्ट देगी, जैसे कंपनी से आती है 70-80 की, 65 की 55 की, सेम वही माइलेज ये देगी अब कार्बोरेटर। ये तीन सामान आपको चेंज करना पड़ेगा, बाकी आपको कार्बोरेटर बदलने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। स्लाइड सिर्फ बदल दीजिए, जेड बदल दीजिए, एक वायरिंग बदल दीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम था, यही तीनों चीज़ का प्रॉब्लम था, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही बाइक अब दब के चलेगी, ना ही धुआं मारेगी, ये सारा चीज़ कार्बोरेटर के अंदर पाया जाता है प्रॉब्लम, तब इस तरीके से गाड़ी करती है। और कई बार हमारा जो होता है गाड़ी दब के जो चलती है वो जेट का ही प्रॉब्लम होता है, और कई बार बाइक जो होती है 2 से 3 बार में स्टार्ट लेती है तब भी इसी का प्रॉब्लम होता है, ये सब कार्बोरेटर का प्रॉब्लम है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।